वस्तुओं की लंबाई मापने के सामान्य तरीके. Measuring length of objects, भाग दो. हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा हाथ से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका. इस वीडियो में हम सीखेंगे पांव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका. आज छोटू ने सोचा कि क्यों ना वो घर का काम करने में मम्मी की मदद कर दे. छोटू, तुम एक काम करो, ये कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूट गई है, यहाँ अब नई रस्सी लगानी होगी. तुम बाजार से एक नई रस्सी ले आओ. ठीक है मम्मी. छोटू रस्सी लेने चला जाता है, लेकिन उसे रास्ते में याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे कितनी लंबी रस्सी चाहिए. वो वापस घर आ जाता है. मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पांव से दोनों डंडों के बीच की दूरी माप लेता हूँ. जितनी दूरी आएगी उतनी लंबी रस्सी ले आऊंगा. छोटू ने अपने पांव से गिनना शुरू किया. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह. ये हो गए कुल 13 पांव. इसका मतलब मुझे चाहिए 13 पांव लंबी रस्सी. छोटू पांव से रस्सी का माप लेने के बाद रस्सी लेने चला गया और उसने घर आकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी लगा दी. बच्चों, देखा आपने कि छोटू ने कैसे रस्सी लाने के लिए पांव से माप लिया? क्या आपको पता है कि हम इसी तरह पांव से और चीजों का भी माप ले सकते हैं? जैसे कि इस मैदान का. ये मैदान छोटू के एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ. इसका मतलब 9 पांव लंबा है. तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा पांव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका. अगली वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली गलतियों के बारे में जो नहीं करनी चाहिए. तब तक के लिए बाय बच्चों.